अच्छे लगे, मुझसे शादी करोगे? तुम अल्कोहलिक हो या ड्रग एडिक्ट? लव एडिक्ट। निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा, निकम्मा किया इस दिल ने। नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। साउथ के फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को सभी भाषाओं में डब कर पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड रिलीज करते हैं, और रिलीज़ होने के बाद जब फिल्में थिएटर से उतरती हैं तो उनको वह OTT पर रिलीज़ करते हैं। अब बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स अगर साउथ की किसी फिल्म का रीमेक हिंदी में बनाते हैं आफ्टर इट्स रिलीज़, तो वह फिल्म ऑलरेडी डब्ड वर्जन में पैन इंडिया रिलीज़ हो चुकी होती है और लोग उसे ऑलरेडी डब्ड वर्जन में देख चुके होते हैं। उसके बाद OTT पर वह एनी टाइम अवेलेबल है। तो ऐसी एक ऑलरेडी रिलीज्ड फिल्म को जब बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिल्म औंधे मुंह गिर जाती है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी सीन बाय द मूवी गोअर्स। अभी पिछले ही दिनों जर्सी, जो कि तेलुगु भाषा में सुपरहिट थी, उसे जब सेम डायरेक्टर ने हिंदी में बनाया विद बॉलीवुड एक्टर्स शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर के साथ, तो फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई, जबकि डायरेक्टर सेम थे। अब 17 जून को एक फिल्म रिलीज़ हो रही है निकम्मा, जो कि तेलुगु भाषा में बनी 2017 की फिल्म MCA की रीमेक है, और MCA जो तेलुगु भाषा में बनी थी उसका हिंदी का डब्ड वर्जन YouTube पर अवेलेबल है। तो क्या उस फिल्म को लोग थिएटर में देखने जाएंगे, जिसमें एक्टर्स भी कुछ ज़्यादा नॉन फेसेस नहीं हैं? फिल्म के हीरो हैं अभिमन्यु दासानी, जो कि मैंने प्यार किया फिल्म की हीरोइन भाग्यश्री के बेटे हैं, और हीरोइन का रोल कर रही हैं शर्ली। नॉन फेसेस में फिल्म में मात्र शिल्पा शेट्टी हैं। लेकिन मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स कब यह रियलाइज करेंगे कि जो फिल्म भले ही वह कितनी भी बड़ी हिट हो, ऑलरेडी OTT के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है विद हिंदी डब्ड वर्जन्स, ऐसी फिल्म को एक नए सिरे से फिर से बनाना और उसको एक्सपेक्ट करना कि वह बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस होगी, तो उसके लिए आपको ऐसी फिल्म बनानी होगी जो कि बेटर देन ओरिजिनल हो विद सम डेविएशंस फ्रॉम द ओरिजिनल वन। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम उसी फिल्म को बनाएंगे, देन यू शुड फॉरगेट अबाउट द सक्सेस ऑफ द फिल्म।